जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल तो मैं तैयार हो गई हूँ पार्टी में जाने के लिए, और वो वही ब्लाउज है जो पिछले ब्लॉग में गया है मेरा वीडियो। ये कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। पूरा लुक तो मैं वहीं जाके दूंगी, क्योंकि अभी इधर तो लाइट की प्रॉब्लम है और कार में बैठी हुई हूँ, तो फिर बस ऐसे ही सिंपल सी साड़ी कॉटन की पहनी और ये ब्लाउज पे अच्छा जा रहा है। तो हम सभी तैयार हो गए और बच्चे पूरा और मिस्टी उसके पापा गए हैं। एक्चुअली गिफ्ट हम लोग घर पे ही भूल गए थे, वापस आए थोड़ी दूर निकल चुके थे तो भूल ही गए थे। ये क्या कर दिया ईशु? बंद कर दिया कार। अच्छा, गाड़ी बंद कर दिया था, डर लग गया था। क्या कर दिया इसने? ऐसा लग रहा कि चला तो बस दिया। अभी चलने की तैयारी हो रही है और अब गिफ्ट आ गया है, ये रख दिया अंदर, और वहाँ चल के फिर आपसे बात करते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पहुँच चुके थे हम लोग बर्थडे पार्टी में, और केक बस कटने ही वाला था, तैयारी चल ही रही थी, तो बस यहाँ केक कटिंग हो रही है और इतने सारे बच्चे बस केक को देख रहे हैं कि मतलब केक जल्दी से कटे और हम खाएं। और इधर केक कटिंग हो चुकी थी और बस ईशु ने ही कैप पहनी थी, बाकी किसी बच्चे ने नहीं पहनी थी। और इधर बस बच्चों को नाश्ता दिया जा रहा था, और नाश्ता काफ़ी अच्छा था, समोसे थे बहुत बढ़िया टेस्टी थे, और इसके साथ था केक और नमकीन के वैरायटी जो इंदौर में हर घर में मिलेगी आपको। नमकीन तो नाश्ते में देते ही हैं, और बस ये कुछ जूस के पैकेट्स थे वो दिए गए थे, और मेरे को भी मिल गया था, और चिप्स वगैरह भी था इसमें, तो चिप्स वगैरह खा लिया था, समोसा खा लिया था। मैंने सोचा चलो यार राइटिंग वाइटिंग छोड़ो, खा लेते हैं आज, तो बस खा ही लिया था। और इधर सब नाश्ता करने के बाद खाना भी लग गया था, और ईशु की चल रही थी मस्ती यहाँ पर, तो वो आज ना पूरा दिन यही किया इसने, यहाँ पर बलून ही फुलाता रहा। और इधर नीचे में जिन्हें वेज खाना था वो खा रहे थे, और ऊपर में नॉन वेज वालों का था। उसके बाद हम लोग घर आ गए। जस्ट अभी पार्टी से आए हैं और इतनी गर्मी लग रही है घर पे, और बाहर इतनी अच्छी हवा चली है, और एकदम बारिश वाला मौसम होने वाला है। ऐसा लग रहा है जम के बारिश होगी आज रात में। देखो क्या होता है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मन करा था घर आए ही ना। और बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है? वैसे वहाँ जाके दिखा नहीं पाई, कुछ ऐसी है साड़ी, और ये ब्लाउज का डिज़ाइन ऐसा है। तो मेरे हस्बैंड को और मुझे तो बहुत पसंद आई, अच्छी लगी, काफ़ी लोगों ने बोला हाँ काफ़ी अच्छी लग रही है इस साड़ी पे ये ब्लाउज। एक्चुअली मैंने इसी साड़ी के लिए ली थी। इस साड़ी में क्या है ना, इसी की ही ब्लाउज पीस है, तो एक जैसा साड़ी और ब्लाउज अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कुछ इस तरह का कलर ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा जाएगा। तो कॉन्ट्रास्ट में मेरे को ब्लाउज़ पहननी थी, जो कि बहुत सही लग रही है, और इतना ज़्यादा खा लिया है ना, इतना ज़्यादा खा लिया है कि अभी दो दिन तक डाइटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो बराबर होगा हिसाब किताब वेट का, नहीं तो बढ़ जाएगा। फिलहाल तो जा रहे हैं सोने, फिर सुबह मिलते हैं आपसे, तो बाय बाय, गुड नाइट। ये क्या हो रहा है ईशु, ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह उठते से? चलो उठो, चलो दीदी के स्कूल जाना है ना, चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह सुबह फिर से हम निकल चुके हैं सफर पर। आज मिस्टी के स्कूल में पीटीएम है, तो बस वहीं निकल जा रहे हैं हम लोग। सुबह उठे, बस रात को सोए और उठे, और अभी वापस से चल लिए, और आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सैटरडे का दिन है, एकदम छुट्टियों वाला, और घूमने तो नहीं जा रहे हैं, पीटीएम में ही जा रहे हैं, फिर देखते हैं। फिर घर का कोई भी काम नहीं हुआ, कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ है,
अभी नाश्ता तक नहीं किया है, बच्चों को बस बनाना शेक पिला दिया था, इनका पेट फुल है तो ठीक है अपना तो चल जाएगा। तो देखते हैं बाहर कुछ ऐसा खा लेंगे, फिर घर में आज बनेगा कुछ खाना वाना। पहले तो साफ़ सफाई करूँगी घर की, फिर उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। फिलहाल तो जा रहे हैं और सुबह सुबह इतनी आलस आ रही है ना कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। सोचो कल हो जाता पीटीएम तो कितने अच्छे से मन से जाते, बेमन से जा रहे हैं क्योंकि नींद ही कंप्लीट नहीं हुई, रात में काफ़ी लेट सोए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें बच्चे मैं तो जल्दी सो गई थी। देखा मिस्टी अपना फेस एकदम मिस्टी, ऐसा लग रहा है कि गोवा के बीच में एंजॉय करने जा रही है, ऐसा तैयार हुई है एकदम। और ये छोटे साहब, इनके तो क्या ही बोले, आए दिन इनके शौक बढ़ते रहते हैं। ये देखो अपने पापा का चश्मा लगा करके एकदम बैठे हुए हैं, इनका कपड़ा बराबर चेंज होता है सुबह शाम 3-4 बार। इसको फेस तो दिखा दो, फेस दिखा दो अपना, फेस दिखा दो ऐसे करके। हवा चल रही है ना, बहुत बढ़िया हवा चल रही है आज, मौसम इतना बढ़िया ना, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है इंसान उड़ जाएगा, ऐसी इतनी तेज हवा चल रही है। ओह माय गॉड। तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद, मतलब पीटीएम अटेंड करने के बाद आए और घर का पूरा काम निपटाया। सबसे पहले तो सबका नहाना धोना हुआ, कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे वो भी सब धो के लटका दिए, और जो भी कल पहन के गई थी ना साड़ी वगैरह वो भी हाथ से धो के रख दी है। और यहाँ ईशु की बदमाशी, अभी तो महासंग्राम चल रहा था मेरे घर में, महायुद्ध हो रहा था मिस्टी और ईशु का। और ये देखो इनको आज कपड़े नहीं पहने, आज इतनी गर्मी लग रही है। और इधर ये पानी निकाल के पी रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हो, ये ईशु क्या कर रहे हो, ये हमारे घर के नागा बाबा हैं। और इधर दूध पकने के लिए छोड़ गई थी और पक गया दूध, तो इसे ढक देंगे और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ना भिगो के रखा है मैंने पहले से ही, नहाने के पहले जब पोछा लगाती थी ना तभी भिगो के रख दिया था, तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो बस इसे साफ करना है, तो पानी गिरा देती हूँ तभी आपको दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ली है बिना छिलके वाली, जिसका छिलका नहीं रहता वाली मूंग दाल ली है, जो कि थोड़ी सी ली है, चावल जस्ट उसका डबल क्वांटिटी में लिया है। तो इधर चावल भी भिगो के रख दी थी, सारा भीग गया है, एक सीटी में तैयार हो जाएगी दाल भी, और दाल भी फूल गई है तो फटाफट से खिचड़ी बन जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनती है। एक बार आप जरूर ट्राई करना, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और बहुत ही खाने में बढ़िया, जिनको खिचड़ी खाना पसंद नहीं है उनको भी खिचड़ी से प्यार हो जाएगा, इतनी बढ़िया खिचड़ी बनती है। तो फिलहाल इसका पहले तो खिचड़ी ये चढ़ा देती हूँ, कि इसमें जो भी तड़का जाएगा ना वो उसकी प्रिपरेशन इस डालने के बाद, कुकर में डालने के बाद उसकी प्रिपरेशन करूँगी। सब्जियाँ वगैरह बहुत कट करनी रहती है, और इसमें सब्जियों का ऐसा है कि आपके पास जो भी सब्जी, आपको जो भी सब्जी खानी पसंद है, जैसे मुझे लौकी खाना पसंद है, गिलकी खाना पसंद है, मतलब जिसमें ना पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो सब्जियाँ मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, वो बहुत अच्छी भी होती हैं। तो कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते, सब्जी का ऐसा कुछ नहीं है, शिमला मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, गाजर हो, जो जो सब्जियाँ हो, मूली वूली सब कुछ डाल दो इसमें, बहुत बढ़िया बनती है। तो फिलहाल तो इसे चढ़ा देते हैं कुकर में, बस नमक और हल्दी डाल के चढ़ा दूंगी और फिर इसके बाद इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे। आप चाहो तो हल्दी भी नहीं डालो, नमक डाल के पका लो, पर नमक थोड़ा सा ही डालेंगे, फिर तड़का भी डालेंगे ना तो तड़के को पकाने के लिए भी नमक इस्तेमाल होगा, तो इन दोनों बातों का ध्यान। उतरो जल्दी, उतरो यहाँ से, उतरो मुझे खाना बनाना है, निकलो यहाँ से दोनों के दोनों, निकलो। क्या खाना है? अभी तुम खा चुकी हो, लो अब निकलो, जैसे निकलो निकलो। तो इन दोनों की बदमाशियाँ तो इस तरह से चलती रहती हैं, रोज का काम है, जब भी खाना बनाऊंगी ना तब भी आ जाएंगे चूल्हे पर, बस सेफ नहीं रहता है, बीच हटाती रहती हूँ, इनको भगाती रहती हूँ। ईशु तो कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गया है,
तो बस यहाँ कुकर में डाला था पानी एक मग्गे के करीब, और जितना भी चावल और ये दाल धोया था ना, सारा का सारा इसमें चला गया। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, ये मग्गा मेरा किचन का ही है, इसे ये ना समझे कि मैं बाथरूम का मग्गा यूज़ करती हूँ, ये प्रॉपर मेरे किचन में ही रहता है। हमेशा जैसे आटा गूंथना है, पानी वगैरह फिल्टर का निकाल के सब्जियों वगैरह में डालना है, दाल में डालना है, तो इसी से मैं डालती हूँ, मेरे किचन का ही मग है। तो बस यहाँ पर डाल दिया है नमक, हल्दी नहीं डाली थी, बस नमक डाल दिया था, और इसे ढक करके एक सीटी ही लगवाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये फूल चुका है, भिगो के रखा था, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, एक सीटी में डन हो जाएगा। तो इधर खिचड़ी डन हो चुकी थी, अब लगाना था इसे तड़का, तो एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा ली थी और यहाँ पे डाला था घी। तो ये मेरे घर का बना हुआ घी है जो हमेशा बनाती रहती हूँ, और बस तड़के में डाला है एक बड़ा तेज़पत्ता और खड़ी धनिया और खड़ा ज़ीरा, और इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, तो हींग में डाल दी है। और इसमें यहाँ पे ना प्याज कट करके रख ली थी, और अदरक और लहसुन कूट करके रख लिया था, अब इसे अच्छे से पका लेना। और यहाँ पे ली थी बहुत सारी सब्जियाँ कट कर ली थी जो भी मेरे पास थी, आपके पास भी जो सब्जी अवेलेबल हो, ना हो तो प्याज टमाटर आलू तो डाल ही सकते हैं, ये तो हमेशा ही होता है घर में। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है तड़का पकने के बाद, अब इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, और इसे भी अच्छे से पका लेना है। और जितनी भी सब्जियां कट करी थी, तो मैंने भिंडी ली थी, बीन्स ली थी, शिमला मिर्च ली थी, इन सबको डाल दिया है। इसे कम से कम 50% तक पका लेना है अच्छे से इस ढक करके, और जब ये पक जाए तो फिर इसमें टमाटर, और आप ये फ्रोज़न मटर थी मेरे पास जो कि हमेशा मैं रखती ही हूँ फ्रीजर में, और जब भी यूज़ करना होता तो फटाफट से निकाला और धोया और यूज़ कर लिया। तो ये सब अच्छे से पक गया था, यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया था क्योंकि सब्जियों को थोड़ा खुले में पकाना था मुझे हाई फ्लेम में, ताकि जितना भी मॉइस्चर है इसके अंदर का ख़त्म होने लगे। और बस यहाँ पे मटर और टमाटर डाल दिया है, इसे भी अच्छे से पका लेना है, ढक करके एक बार पका लिया था ताकि अंदर से टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर डाला है गर्म मसाला एक छोटा चम्मच, अब बस ढक दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखा तो ऑलमोस्ट पक चुकी थी सारी सब्जियां, ताकि इनका कच्चा वाला फ्लेवर हट जाए। और इसमें डाल दिया है नमक, जितनी भी और भी सब्जियां और अच्छे से पक जाएं, टमाटर वगैरह सब अच्छे से गल जाएगा। फिर 2 मिनट के लिए ढक दिया था, तो अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है, पक चुका है। और जो भी ये खिचड़ी बनाई थी ना, तो बस इसे भी डाल देना है इसमें, दाल और चावल। और इसमें नमक तो पहले से था, तो थोड़ा ही नमक इस्तेमाल किया था, सब्जियों में डाला था सिर्फ सब्जियों को गलाने के लिए। तो इसे अच्छे से मिला लेना है और ढक के 5 मिनट पका लें, तो आपकी फटाफट से ये बढ़िया सी हेल्दी सी टेस्टी सी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। जो बच्चे ना सब्जियाँ खाने में मतलब मना करते हैं कि नहीं खाना मुझे नहीं खाना, तो वो भी बहुत अच्छे से, मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, आराम से खा लेते हैं। ये वाली जो खिचड़ी बनाई है ना, डाइट वाले भी खा सकते हैं, बट इसमें मैंने घी डाला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसमें अगर घी कम डाले तो इस खिचड़ी को आराम से खा सकते हैं। मुझे सबके लिए बनाना था तो इसलिए घी ज़्यादा डाला था, और बिना घी के पसंद नहीं करते कोई भी, और मुझे कम घी का चाहिए था, इसलिए मैंने अपने लिए लौकी की सब्जी बनाई है। फिलहाल तो हम लोग अपना लंच इंजॉय कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। वो कहा है चम्मच, लड़ते रहते हो, चिमटा दो निशु, ये दोनों सो गए थे और उठ गए हैं, और आपस से इनकी धमा चौकड़ी चालू हो गई है, और साथ में शाम का टाइम हो गया है तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे। तो बच्चों के लिए यहाँ बना रही थी ऑमलेट, तो बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट, कई बार शेयर किया पर आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं ये, तो सोचा आपके साथ भी शेयर। तो यहाँ छोटू सा पैन चढ़ा दिया, उसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और इसके लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए, पनीर, ब्लैक पेपर और नमक और अंडा। तो सबसे पहले तो अंडा डाल लेते हैं इसमें, ये गया अंडा, और अब जाए
डाला इसमें। हाँ चाहिए, बन रहा है ना इधर ईशु, इस लड़के को सब्र नहीं है। तो बस डाल दिए काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और जाएगा इसमें। ये पनीर का टुकड़ा रखा था, छोटे छोटे से पनीर जाएंगे इसमें। और बस पलट देना है इसको। इधर ये रेडी हो गया है, दोनों तरफ अच्छे से पका लिया है, दूसरा भी रेडी। इधर ईशु ने खाना भी स्टार्ट कर दिया, इसको बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। तो ये बढ़िया सा ऑमलेट रेडी हो गया है बच्चों के लिए। तो आप भी अगर इस तरह से बच्चों को खिलाएंगे ना, बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे, पनीर भी खा लेंगे, ऑमलेट का ऑमलेट पूरा चट कर जाएंगे, क्योंकि इसमें तीखा भी नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। तो पहले तो बच्चों को खिला देती हूँ। तो ठंडा करके खाओ ना, आराम से खाओ, आराम से लाओ, मैं तोड़ देती हूँ। वाला ठंडा हो गया, पहले बना था ना, ये ठंडा है, ये बाद में। आ करो, अपने से खाओगे, लो अपने से खा लो।